नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे एम्बियंस टिविटॉन प्रोजेक्ट की, जो कि लोकेटेड है सेंट्रल नोएडा के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सेक्टर सेक्टर 50 नोएडा में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में और साथ ही देखेंगे 3 BHK फ्लैट की सैम्पल वीडियो, जिसका साइज होगा 2548 स्क्वायर फिट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में। तो बात करें प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर आपको 3 और 4 BHK के प्रीमियम अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। बात करें टोटल लैंड एरिया की, तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 4 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर आपको टोटल 7 टावर्स मिल जाते हैं। हर टावर में आपको एक फ्लोर पर केवल 2 ही फ्लैट्स मिलते हैं। साथ ही आपको प्रॉपर 3 लिफ्ट्स मिलते हैं, जिसमें 2 पैसेंजर लिफ्ट होती है और 1 सर्विस लिफ्ट होती है। और बात करें टावर की हाइट की, तो यहाँ पर आपको 24 फ्लोर की हाइट मिलती है टावर ए बी सी डी में। और टावर ई की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 फ्लोर, और टावर एफ और जी में आपको 20 फ्लोर की हाइट मिलती है। और सोसाइटी के अंदर आपको एक काफ़ी ब्यूटीफुल क्लब हाउस मिलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 20,000 स्क्वायर फिट का होता है। क्लब हाउस के अंदर आपको स्पा, स्टीम, सोना, जिमनेजियम, साथ ही आपको एक बैंकेट हॉल मिलता है, जिसको द लीला ग्रुप के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। और इस सोसाइटी के साथ एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सोसाइटी के साथ में आपको 32 एकड़ का नोएडा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और मेंटेन पार्क मिलता है। और बात करें साइजेस की, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 2548 स्क्वायर फिट, जो कि एक 3 BHK का फ्लैट है। 4 BHK में आपको एक सिंगल साइज मिलता है 3284 स्क्वायर फिट। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसका साइज होता है 5096 स्क्वायर फिट। ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल ऑप्शन होते हैं, तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और बात करें इंटरनल फ्लैट्स की, तो यहाँ पर आपको जितने भी अपार्टमेंट है वो फुल्ली एयर कंडीशन अपार्टमेंट मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो किचन मिलती है वो फुल्ली मॉडुलर किचन मिलती है। और आपको फ्लैट के अंदर काफ़ी डिजाइनर वार्डरोब्स, फॉल सीलिंग, फैंस, लाइट, और पूरे फ्लैट में आपको इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो यहाँ पर जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है वो होता है 2.65 CR से। अगर आप प्राइसिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट का ब्रोशर या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा एक्चुअल फ्लैट पर और देखते हैं एक्चुअल फ्लैट की वीडियो, जिसका साइज होगा 2548 स्क्वायर फिट। इसे एक एज ए सैम्पल तैयार किया हुआ है, तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक्चुअल फ्लैट पर। ये बेसिकली कॉरिडोर एरिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर 3 लिफ्ट्स मिलती हैं। तो ये आपके सर्विस लिफ्ट हो जाती है और ये 2 आपको पैसेंजर लिफ्ट मिल जाती हैं। इस फ्लोर पर टोटल 2 फ्लैट होते हैं, एक फ्लैट ये हो जाता है और एक फ्लैट ये हो जाता है। तो अभी हम लोग इसी फ्लैट को देखने वाले हैं। इसका साइज है 2548 स्क्वायर फिट। ये एक प्रॉपर 3 BHK का फ्लैट है। तो जो आप ये डोर्स वगैरह देख रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपको डोर्स ऐसे ही मिलने वाले हैं। और अंदर आपको जो भी आप फिटिंग्स वगैरह देखेंगे, जो भी मूवेबल आइटम्स होंगे वो फ्लैट का पार्ट नहीं होंगे, बट वार्डरोब, मॉडुलर किचन, ये सभी फ्लैट का पार्ट होंगे। तो वैसे ही आपको एज इट इज़ मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एंट्रेंस के साथ में आपको एक ही फॉयर एरिया मिल जाता है, और जैसे हम लोग एंट्री करते हैं सबसे पहले एक गेस्ट बेडरूम आ जाता है। तो ये आपका गेस्ट बेडरूम होता है। सबसे पहले देखते हैं इस रूम को। तो प्रॉपर आपका गेस्ट बेडरूम हो जाता है। इसके अंदर जो आप एसी का प्रोविजन देख रहे हैं, ये बेसिकली स्प्लिट एसी, उसकी डक्टिंग की हुई है। तो ये भी आपको फ्लैट के अंदर ही मिलते हैं, फ्लैट के साथ ही आपको मिलेगा। और इसके साथ में आपको एक सेपरेट वॉशरूम भी मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वॉशरूम का एरिया हो जाता है। और इसके साथ आपको वेंटिलेशन के लिए एक बालकनी मिल जाती है, जो कि बेसिकली पूरी कनेक्टेड बालकनी है, पूरे फ्लैट के साथ पैरेलल चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरा टिल द एंड तक यहाँ तक आपकी जाती है, तो पूरे फ्लैट के साथ कनेक्टेड है। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहला बेडरूम देखा, जो कि गेस्ट बेडरूम था। और एक आपको पाउडर रूम मिल जाता है, जिसकी एंट्री बाहर से ही है। और ये वाला एरिया हो जाता है किचन का। किचन में आपको दोनों तरफ स्लैब्स मिल जाती हैं और साथ में एक यूटिलिटी बालकनी मिलती है। किचन आप जैसी देख रहे हैं एज इट इज आपको ऐसे मिलने वाली है। कुछ इस तरह की आपकी किचन होगी। चलिए देखते हैं यूटिलिटी बालकनी एरिया को। तो ये आपकी यूटिलिटी बालकनी होती है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू आता है। ये इसी सोसाइटी का सेंटर पार्क है, तो कुछ इस तरह का आपको व्यू आएगा।
चले चलते हैं ड्राइंग और डाइनिंग की तरफ। तो ये आपका पूरा ड्राइंग एरिया हो जाता है। ड्राइंग एरिया के साथ भी अगेन आपको कनेक्टेड बालकनी मिलती है, जो अभी हम लोगों ने इस बेडरूम से देखी थी वही बालकनी आपको यहाँ भी कनेक्टेड है। तो ये पूरा ड्राइंग रूम का एरिया हो जाता है और ये पूरा डाइनिंग एरिया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो किचन के साथ में आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये आपका सेकेंड बेडरूम हो जाता है। इसके साथ भी आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है। तो ये पूरा वॉशरूम का एरिया हो जाता है। आप देख सकते हो वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस है इसका। और ये आपका बेडरूम हो जाता है। और बालकनी को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये कबर्ड के लिए स्पेस हो जाता है, कुछ इस तरह से डक्टिंग की हुई है इसी की। चलिए अब चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आपका थर्ड बेडरूम हो जाता है। इसमें भी अगेन आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है। तो ये पूरा वॉशरूम का एरिया होता है। और ये आपको पूरा बेडरूम हो जाता है। इसके साथ भी अगेन आपको बालकनी कनेक्टेड है और यहाँ से आपको एक विंडो दे दी है जिससे आपको पार्क का व्यू आता है। और ये यूटिलिटी बालकनी थी जो हम लोगों ने उधर से देखी थी किचन की तरफ से, तो यहाँ तक पूरी कनेक्टेड है, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ ये आपका इस तरह से बेडरूम होगा। तो अभी हम लोगों ने तीनों ही बेडरूम्स को देख लिया है। इसके साथ में आपको एक सर्वेंट रूम भी मिलता है जो कि बिल्कुल प्राइवेट है, बिल्कुल अलग से उसकी कनेक्टिविटी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर्वेंट रूम भी। तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी थी, ये हमने ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया देखा था। इधर हम लोगों ने सबसे पहला बेडरूम देखा था, ये हम लोगों ने किचन वाला एरिया देखा। तो ये पूरा कॉरिडोर एरिया है जहाँ पर हम लोगों ने लिफ्ट वाला एरिया देखा था। और सर्वेंट रूम की एंट्री यहाँ से होती है आपकी। ये स्टेयर्स हैं, दो स्टेयर्स आपको मिलती हैं। तो ये आपका सर्वेंट रूम वाला एरिया हो जाता है। और इसके साथ में आपको एक प्राइवेट टॉयलेट भी मिल जाता है, ये टॉयलेट वाला एरिया होता है। तो अब हम लोगों ने इस फ्लैट को कम्प्लीटली देख लिया है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।